The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. नमस्कार आदाब सत श्री अकाल, कैसे हैं आप दोस्तों। मैं हूं डॉक्टर परमजीत और आप देख रहे हैं डॉक्टर एजुकेशन। दोस्तों, हम वीडियोस बनाते हैं हेल्थ और हेल्थ केयर के बारे में और सारे वीडियोस ऑथेंटिक रेफरेंस्ड होते हैं यूएस नेशनल मेडिकल लाइब्रेरी से। आज हम बात करेंगे प्रीनेटल विटामिंस, प्रेगनेंसी से पहले, प्रेगनेंसी के दौरान जो विटामिंस की जरूरत है उनके बारे में। क्यों जरूरी है, आप अगर सोचते हो क्या आपको विटामिंस की जरूरत है, चाहिए तो कौन से चाहिए, कौन सा ब्रांड लूं, लेने से मुझे कोई साइड इफेक्ट होगा क्या, हो जी हाँ हो सकते हैं, तो कौन से साइड इफेक्ट्स होते हैं, उसके लिए करना क्या है, इन सब के बारे में आपको जानेंगे। हर एक लेडी, हर लड़की, हर औरत जो आज नहीं तो कल माँ बनेगी, उसे ये जानना जरूरी है। आपकी बहन, आपकी दीदी, आपकी दोस्त, आपकी सहेली, अगर उनमें से किसी को भी इसकी ज़रूरत है तो आपको ये जानना चाहिए और उन्हें बताना चाहिए। दिस इज इम्पॉर्टेंट, मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो, लेट्स स्टार्ट। सी देखिए, अगर प्रेग्नेंट हो रहे हैं, एक बच्चे को अपने अंदर पनपाएं, बड़े बड़ा करेंगे, तो आपको ना सिर्फ अच्छा डाइट चाहिए, आपको विटामिंस मिनरल्स चाहिए। और उसको पाने का सबसे अच्छा तरीका है एक हेल्दी डाइट, वो ही सबसे बेस्ट तरीका है। उसका सप्लीमेंट, उसका रिप्लेसमेंट नहीं है जो आप प्रीनेटल विटामिंस, रिप्लेसमेंट कते भी नहीं है। प्रीनेटल विटामिंस कई बार एक हेल्दी डाइट लेते हुए भी थोड़ा बहुत आपके विटामिंस कम हो जाते हैं, कभी ये कभी वो, कभी कुछ कभी कुछ। तो उस चीज़ के लिए आपको प्रीनेटल यानी प्रेगनेंसी के पहले और प्रेगनेंसी के दौरान जो विटामिन्स मिनरल्स दिए जाते हैं वो इसीलिए दिए जाते हैं कि कमी, थोड़ी बहुत कमी जो है वो पूरी करें। ये नहीं कि आप दूसरा खाने की जगह प्रीनेटल विटामिन पे डिपेंड हो जाओ कि नहीं यही मेन है, ना। मेन आपकी हेल्दी डाइट है। हेल्दी डाइट के लिए क्या खाना, कैसे खाना, प्रेगनेंसी की पूरी एक सीरीज है हमारे चैनल पर, देखना मत भूलिएगा। प्रेगनेंसी बाय डॉक्टर एजुकेशन टाइप करें, उसमें मिल जाएगी। तो प्रीनेटल विटामिंस क्या है? प्रीनेटल विटामिंस मेनली उसमें दो मेन हार्मोन, दो मेन चीजें होती हैं। एक तो होते हैं फॉलिक एसिड, एक होता है आयरन। ये दो मेन बहुत जरूरी चीज है, बाकी और भी चीजें होती है पर मेन होती है दो, फॉलिक एसिड और आयरन। फॉलिक एसिड क्यों? फॉलिक एसिड क्योंकि ये मदद करता है बच्चे के न्यूरल ट्यूब के डिफेक्ट को प्रिवेंट करने में। मतलब ये एक बहुत सीरियस बीमारी, सीनस एबनॉर्मलिटी है जो बच्चे के पनपते ब्रेन, दिमाग और स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर होती है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स, ठीक है। वो ना हो इसके लिए माता के शरीर में, एक औरत लेडी के शरीर में फॉलिक एसिड अच्छी मात्रा में होने चाहिए। दूसरा, आयरन बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट में हेल्प करता है और साथ ही मदर में, माता में एनीमिया, खून की कमी, हीमोग्लोबिन की कमी जो है वो प्रिवेंट करता है। क्योंकि हीमोग्लोबिन अगर कम हो गया, खून कम हो गया, तो आपका ऑक्सीजन का सप्लाई पूरी बॉडी को, बच्चे को कम हो जाएगा। इसलिए दो बहुत जरूरी हार्मोन। इसके अलावा रिसर्च में ये भी पाया गया कि जो लोग प्रीनेटल विटामिंस लेते हैं उनके रिस्क दूसरी कई ऐसी बीमारियों के लिए भी कम हो जाता, जैसे कि अगर आपका बच्चे की ग्रोथ सही से नहीं हो रही, तो दैट इज कॉल्ड स्मॉल फॉर जेस्टेशनल एज। मतलब आपकी गर्भावस्था की जो उम्र है और बच्चे की जो बड़े होने की स्पीड है, की उम्र है, वो छोटा नहीं रहेगा बच्चा। ग्रोथ सही मात्रा में, सही उम्र में सही ग्रोथ होगी उसकी अगर आप प्रीनेटल विटामिंस लेते हैं, तो दैट इज वन श्योरिटी। इसलिए प्रीनेटल विटामिंस दिए जाते हैं। तो आयरन हो गया, फॉलिक एसिड हो गया। इसके अलावा ओमेगा 3, जी हाँ, ओमेगा 3 भी इंक्लूड किए जाते हैं और ये कंपलसरी नहीं है, लेकिन ओमेगा 3 भी आपके बच्चे के ब्रेन डेवलपमेंट में बहुत हेल्प करते हैं। तो अगर आप फिश नहीं खाते हो या फिर ओमेगा 3 रिच दूसरे फूड जो है, जैसे आपके अलसी हो गया, फ्लैक्सीड, आपके ड्राई फ्रूट्स हो गए, राइट, ऐसी चीज़ें नहीं खाते हो, तो फिर आप ओमेगा 3 भी इंक्लूड कर सकते हैं, या आपके डॉक्टर आपको रेकमेंड करेंगे कि ओमेगा 3 आप अपने सप्लीमेंट्स में इंक्लूड करें। चौथी चीज़ है कैल्शियम और विटामिन डी, बहुत ज़रूरी चीज़ है, खास करके तीसरे ट्राइमेस्टर में, यानी कि आखिरी के 3 महीने में, वो प्रेगनेंसी के आखिरी के 3 महीने में, जब बच्चे की बोन्स बहुत तेजी से ग्रो हो रही है, ताकतवर हो रही है, उस समय कैल्शियम विटामिन डी माता के अंदर जाना बहुत ही ज़रूरी है अच्छी मात्रा में।
इसके अलावा बहुत सारी और चीजें जिसको आपको ध्यान रखना है, जैसे विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन ई, जिंक, आयोडीन, कॉपर, ये भी एडिशनल चीज अगर प्रीनेटल विटामिन में हो तो अच्छा है। तो कौन सा ब्रांड ले, कौन सा नहीं ले, क्वाइट फ्रैंकली आप फार्मेसी पे जाओगे, केमिस्ट के पास जाओगे तो ओवर द काउंटर ये प्रीनेटल विटामिन मिल जाएंगे, लेकिन कौन सा लेना ये डिसीजन आप अपने डॉक्टर पे छोड़ो, गायनेकोलॉजिस्ट पे छोड़ो। आपके डॉक्टर ज्यादातर वही प्रीनेटल विटामिन देंगे जिनमें फॉलिक एसिड, आयरन, कैल्शियम, विटामिन डी सब है, राइट? तो वो अलग अलग सिचुएशंस में एडिशनल चीजें डाली जा सकती हैं, राइट? वो आपके डॉक्टर आपकी पूरी सिचुएशन, आपका केस, आपकी हिस्ट्री देख के आपको आपके लायक बेस्ट प्रीनेटल विटामिन देंगे, वरना आप कुछ तो जरूर लें अगर आप डॉक्टर के पास नहीं जा रहे हो, कायदे से तो जाना चाहिए, ठीक है? फिर रिमेंबर, प्रीनेटल विटामिन एक कॉम्प्लीमेंट है, कॉम्प्लीमेंट यानी एडिशनल चीज है जो आपकी हेल्दी डाइट के ऊपर होनी चाहिए। हेल्दी डाइट का रिप्लेसमेंट नहीं, हेल्दी डाइट लेना बहुत जरूरी है, अच्छा गुड न्यूट्रिशन आपको बहुत जरूरी है, उसी से आपकी आपके प्रीनेटल न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट पूरी होनी चाहिए, ठीक है? इसके अलावा कुछ सिचुएशंस में, अलग अलग सिचुएशंस में आपके डॉक्टर सिचुएशन देख के, आपकी कंडीशन देख के आपको अलग से कोई एडिशनल विटामिन ज़्यादा मात्रा में दे सकते हैं। जैसे अगर मान लो आपको पिछली प्रेगनेंसी में कोई न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, कोई बच्चे में एबनॉर्मलिटी हुई थी, तो अब आगे, इसके आगे होने वाली प्रेगनेंसीज को प्लान करने से पहले या प्लान करने में ही आपको हो सकता है फॉलिक एसिड लंबे अच्छे डोज में दिया जाए, 4 मिलीग्राम जैसे डोसेज में फॉलिक एसिड दिया जाए आगे की हर प्रेगनेंसी के लिए, राइट? और हर एक केस में प्रीनेटल विटामिन्स को ऐड करना पड़ता है डिपेंडिंग अपॉन केस टू केस बेसिस। आइडियली ये प्रेगनेंसी डायग्नोस होने से पहले ही, प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करने से पहले ही शुरू कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरत जो है आपके विटामिन्स मिनरल्स की है वो पहले मंथ में है, पहले महीने में प्रेगनेंसी के, और तब तक तो आपको पता भी नहीं होता कि आप प्रेग्नेंट हो, क्योंकि एक महीने पहले आपका महीना आया होता है, एक महीने के बाद जब 10 दिन 5 दिन 10 दिन मिस हो जाता है पीरियड, तब एक महीना 5-10 दिन के बाद आपको पता चलता है ओ प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आया, तो वो एक महीना तो निकल गया, इसलिए वो पहले ही शुरू करना चाहिए, फॉलिक एसिड, आपके प्रीनेटल विटामिंस, कैल्शियम मिनरल, सब कुछ, आयरन भी। फॉलिक एसिड सबसे जरूरी है क्योंकि न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट या न्यूरल ट्यूब डेवलपमेंट, जो बच्चे का ब्रेन न्यूरल ट्यूब डेवलपमेंट है, वो भी पहले महीने में ही होता है, इसलिए कंसीव करने से, अगर आप ट्राई कर रहे हो, बेबी के लिए ट्राई कर रहे हो, सेक्स कर रहे हो, तो आपको उसी समय पहले ही ले लेना चाहिए, लेते रहना चाहिए प्रीनेटल विटामिन, डॉक्टर से मिले या मिले बगैर भी ले सकते हो, फॉलिक एसिड तो ले ही सकते हो, राइट? इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा बेस्ट टाइम क्या है, नॉर्मली तो प्रीनेटल विटामिन्स पूरी प्रेगनेंसी के दौरान, पूरा सब दौरान सारी प्रेगनेंसी में लेना चाहिए, लेकिन आप अपने डॉक्टर से बात कर सकते हैं किस समय कौन सा विटामिन ज़्यादा ज़रूरी है, राइट? दैट इज़ आल्सो इम्पॉर्टेंट। और बहुत इम्पॉर्टेंट है आपको कि अगर आपको प्रीनेटल विटामिन से कोई भी साइड इफेक्ट हो रहा है, जैसे कि मान लो आपको कुछ लेने के बाद अजीब सा लग रहा है, पेट में गड़बड़ लग रही है, तो आप प्रीनेटल विटामिन को बंद ना करें, उसको लेने की दूसरे तरीके हैं, जैसे कि आप उसे कुछ छोटे मोटे खाने पीने के साथ ले, खाने के बाद ले, स्नैक के साथ, या फिर रात को सोने से पहले लें, ऐसे ट्राई करें। आयरन वाले प्रीनेटल विटामिन्स के साथ एक प्रॉब्लम है, उससे कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, तो कॉन्स्टिपेशन के लिए आप क्या करेंगे, आप कॉन्स्टिपेशन प्रिवेंट करने के लिए खूब सारा पानी पियेंगे, फाइबर खाएंगे खूब सारा, राइट? आप सलाद, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स वो सब खाएंगे, आप फिजिकल एक्टिविटी रखेंगे अपनी डेली रूटीन में, कुछ ना कुछ चलना फिरना, आपने थोड़ी बहुत लाइट एक्सरसाइज, आपके डॉक्टर जितना आपको अलाउ कर रहे हैं उतने में, ठीक है? अगर डॉक्टर ने कहा बेड रेस्ट तो बेड रेस्ट, उसके ऊपर कुछ नहीं, ठीक? फिर आप फिर डॉक्टर से पूछेंगे, अगर फिर भी दिक्कत ना हो तो प्रीनेटल विटामिन बर्न नहीं करेंगे, जरूरत पड़ी तो स्टूल सॉफ्टनर लेंगे, स्टूल सॉफ्टनर लेंगे डॉक्टर से, क्योंकि उससे जरूरी नहीं है, राइट? प्रीनेटल विटामिन से ज्यादा जरूरी नहीं है कॉन्स्टिपेशन, राइट? सो अगर ये सब चीजों से भी आपको फिर भी दिक्कत हो, फिर भी साइड इफेक्ट हो, तो डॉक्टर के पास जाएंगे ऑब्वियसली, और अपने केस पर्टिकुलर बेसिस पे डॉक्टर से मिलके ये डिसाइड करेंगे मुझे किस चीज की जरूरत है। आयरन, फॉलिक एसिड, कैल्शियम, विटामिन डी, ये सब तो लेना ही चाहिए, लेकिन एडिशनली आपके केस में कुछ और की जरूरत हो सकती है, वो आपके डॉक्टर बताएंगे, ठीक? सो प्रेगनेंसी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं भाई, ट्राई करो, खुश रहो, प्रेगनेंसी अच्छे से पूरी आपकी सेफली चले जाए, हमारे तरफ से शुभ इच्छाएं,
और देखते रहिए वीडियो, शेयर जरूर करिए, सारी फीमेल्स को पता होना चाहिए। स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी।